हाँ जी बेटा, जो क्वेश्चन नंबर कल हम डिस्कस कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, हमने कहा था कि कल हम देखेंगे, बिल्कुल 100% जो गए वो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्वेश्चन था द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1.5, 4.6 जो गए। अब उसने कहा था कि मेरे पास जो गए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का वाई एक्सिस पे वो जहां पर कट कर रहा है वहां पर जो है इसके कोऑर्डिनेट निकालिए। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना, अगर परपेंडिकुलर वर्ड देता तो प्रॉब्लम आती हमें, बाइसेक्टर भी बोल दिया इसका मतलब मेरे पास जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये होगा। अब यहां पर वाई एक्सिस पे बोला है तो ये 0.y है, तो मेरे पास जो है ए बी और ये पॉइंट सी है, तो मेरे पास ए सी इज इक्वल टू बी सी, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करें मेरे पास, तो मेरे पास जो है यहां पर क्या हो गया, दैट इज y माइनस 5 का स्केयर प्लस 0-1 का स्केयर 1 इक्वल टू बी सी लगाऊंगी तो मेरे पास जो है y माइनस 6 का स्केयर और 0-4, 16। सॉल्व कर लीजिए, y स्केयर कैंसिल हो जाने हैं और उसके बाद जो है y की वैल्यू डायरेक्ट आ जानी। हाँ जी तान्या बताइए बेटा, अगर ए सी और बी सी इक्वल है, पहले मैंने इक्वल लिया ना उसके बाद स्केयरिंग कर दी ताकि अंडर रूट खत्म हो जाए। इफ ए सी इज इक्वल टू बी सी क्यों है इक्वल, रीजन भी अगर ये मिड पॉइंट है, नहीं बेटा मैं आपको बताती, और ये परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर ना होता या अकेला परपेंडिकुलर होता तो प्रॉब्लम आती, दोनों चीज है ना, तो 100% आप सोचो ये एक लाइन है ये एक पॉइंट है, अगर ये परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर भी है बाइसेक्टर भी है, तो ये एसोसलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, ये एसोसलेस ट्रायंगल बन जाती है अपने आप, क्योंकि तभी वो परपेंडिकुलर भी बनता है और मिड से भी ज्वाइन करता है, क्योंकि अगर ये बराबर नहीं होगा तो फिर ये मिड नहीं बनेगा, अकेला परपेंडिकुलर बनेगा, यानी ऑल्टीट्यूड भी यही मीडियन भी यही, तो यह सिर्फ एसोसलेस ट्रायंगल के केस में ही बनता है इसी। ओके बेटा क्लियर, हाँ जी जितना भी आंसर आया जो भी आंसर है ठीक है जी। हाँ जी, तो मेरे पास y की वैल्यू 13 ही आ रही है, 0.13। कल का डाउट क्लियर हो गया बेटा सबका। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो गए मेरे पास 15th फ्रॉम द क्वेश्चन बेटा, मेरे पास 15th जो है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ए ओ बी। मेरे पास यहां पर एक फिगर दी हुई है बेटा, ये 0, ये ए, ये बी और ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 0.2y और ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2x.0। अब उसने कहा है कि मुझे आपने ऐसे कोऑर्डिनेट के पॉइंट बताने हैं विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 3 जो है वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल ए ओ बी, ऐसे कोऑर्डिनेट बताने कोई भी पॉइंट, तीनों वर्टेक्स है। अब मुझे नहीं पता ना कि वो पॉइंट कहाँ पर है, तो बेसिकली क्या है, मैं उस पॉइंट को कुछ भी लेट कर दूं, ए बी लेट कर दूं सपोज, वो तीनों वर्टेक्स से इधर से इधर से और इधर से इक्वल होना चाहिए ठीक है। अब ए बी मैंने अपनी तरफ से लेट किया तो ए बी की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी, तो मैं क्या करूंगी बेटा, मैं इसको पी पॉइंट दे दूं तो मुझे पी ए इक्वल टू पी ओ इक्वल टू पी बी ये इक्वेट करने, अगर ये तीनों इक्वल है तो बेटा स्केयर भी इक्वल होगा ना, स्केयर जस्ट टू इलिमिनेट अंडर रूट हम करते हैं। अब पी ए मेरे पास, जब मैं पी ए निकालूंगी तो बेटा ए माइनस 0 का स्केयर और बी माइनस 2y का स्केयर, इधर मेरे पास क्या आ जाएगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर तो कट ही गया सीधे, तो अब मेरे पास बी स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर, या अच्छा कोई जरूरत नहीं ओपन करने की, स्क्वायर और ये कैंसल हो जाएंगे, जब कैंसल होगा तो एक तरफ क्या आ जाएगा प्लस माइनस बी आएगा कि नहीं आएगा, उसे कैलकुलेशन लीजिए। जब आपने एक बार प्लस लिया तो वाई की वैल्यू सीधा जीरो, ये तो पॉसिबल ही नहीं ना, नहीं पॉसिबल ना, जो चीज हमने निकालनी है वो तो कट ही गई और वाई जीरो हमें कुछ कहा ही नहीं, तो इसको तो रिजेक्ट ही कर देना, मेरी बात समझ आई। तो दूसरा केस बी माइनस टू वाई इज माइनस बी, तो टू बी इज टू वाई, तो बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई वाई। अब ऐसे ही आप जब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो मेरे पास एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी, और जो मेरे पास ए सॉरी बी की वैल्यू ए की वैल्यू आ जाएगी, तो मेरे पास जो ए बी की वैल्यू होगी वही पॉइंट होगा। वैसे अगर मैं एमसीक्यू में बताऊ ना, मेरे पास बी की वैल्यू वाई वाला एक ही ऑप्शन है, वो ए ऑप्शन, क्योंकि बाकी सब में किसी में वाई बाय टू है, किसी में बी की वैल्यू एक्स दी है, किसी में बी की वैल्यू एक्स बाय टू दी है, तो मतलब एक ही ऑप्शन है कि ये हमें वैसे ना भी निकालें तो तब भी आंसर पता चलेगा। हाँ जी दक्ष आप बोलिए। बेटा उसने कहा कि एक ऐसा पॉइंट निकालिए जो इस ट्रायंगल ए ओ बी के तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे। इक्वल डिस्टेंस मतलब क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वेट कर दो। तो मैंने वो पॉइंट अपनी तरफ से ए बी मान लिया, ठीक है, तो वो मेरे पास ए से भी ओ से भी बी से भी। अब इसको तुम जर्नलाइज कर सकते हो, ध्यान से कैसे जर्नलाइज कर सकते हो कि अगर कभी भी आपके पास एक्स एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट दिया किसी ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया, वाई एक्सिस पे भी दिया, और एक अगर ट्रायंगल का वर्टेक्स ओरिजिन है, और तुम्हें कहा है कि ऐसा पॉइंट निकालो जो तीनों के इक्वल है, तो क्या करो, जितना एक्स एक्सिस दिया है उसका हाफ, जितना वाई एक्सिस दिया है उसका हाफ, तो आपके पास एक्स कॉमा वाई पॉइंट आएगा। यानी अगर आपको कोई पॉइंट यहां दे दिया ए, यहां दे दिया जीरो कॉमा बी, तो वो पॉइंट क्या आएगा बता सकते हो, ए बाय टू बी बाय टू। बेटा हाफ करना है मैंने क्या, अगर यहां टू एक्स था तो तुम्हारा एक्स आ रहा था, वहां टू वाई था तो यहाँ क्या आ रहा था वाई, हाफ का मतलब टू से डिवाइड। तो मतलब ऐसे रिजल्ट्स को अपने दिमाग में बिठा लो, एक पेज पे नोट करते जाओ जर्नलाइज क्वेश्चंस को, ताकि आपको पेपर में सॉल्व जिस पे ज्यादा दिमाग लगाना है हम सिर्फ उस पे लगाएं, एक ये फॉर्मूले की तरह लर्न कर लें। बात समझ आई बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल तो मैंने यूज ही नहीं किया, उसने कहा ट्रायंगल में एक ऐसा पॉइंट बताओ जो कि तीनों वर्टेक्स से इक्वल है, तीनों वर्टेक्स से। बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो ये डिस्टेंस सेम होता, ओ ए ओ बी ए बी, मैंने वो नहीं लगाया, मुझे एक ऐसा पॉइंट लेना है, पॉइंट मैंने अपनी तरफ से ले लिया ए बी, क्यों लिया, क्योंकि ऑलरेडी एक्स वाई यहां पर यूज था। ओके क्लियर, अगर एक्स वाई नहीं होता तो चाहे मैं इसको एक्स वाई ले लेती। अब आपको रिजल्ट पता चल गया, ठीक है जी, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा मेरे पास तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम एग्जाम्पलर बुक। व्हाट इज दिस क्वेश्चन? हां जी, क्वेश्चन नंबर 16, अ सर्कल ड्रॉन विद ओरिजिन एज ए सेंटर पासिस थ्रू दिस पॉइंट 13/2,0। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और पास कर रहा है 13/2,0, क्योंकि 100% ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा, क्योंकि एक्स कॉमा जीरो की फॉर्म पे है। द पॉइंट विच डज नॉट लाइज इंटीरियर ऑफ द सर्कल। अब उसने कहा कि ऐसा पॉइंट जो सर्कल के अंदर नहीं लाए करता,
हमने वो देखना है। अब देखिए जरा, मेरे पास ये है माइनस थ्री बाय फोर कॉमा वन, टू बाय सेवन थ्री, फाइव बाय माइनस वन बाय टू, माइनस सिक्स फाइव बाय टू। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर मैं थर्टीन बाय टू देखूं तो ये 6.5 है, एम आई राइट? ये भी फिर मेरा क्या हुआ, माइनस 6.5 कॉमा जीरो, ये कितना होगा, जीरो 6.5, ये कितना होगा? बिल्कुल जी, एक तो ये कि ग्राफ पेपर हो तो आप ड्रॉ कर लो, आपको इजीली पता चल जाए। लेट अस सी, मैं देखूं तो ये है, एक तो मेरे पास जो है वन, और ये है माइनस थ्री बाई, यानी ये पॉइंट कुछ आएगा। अगर मैं देखूं तो ये पॉइंट मेरे पास 6.6 आएगा ना, 28 है, 0.7, ठीक है। अगर मेरे पास 0.7 और 1, तो दैट मींस 0.7 और 1 अंदर लाई कर रहा। अगला 2 कॉमा मेरे पास है, नेक्स्ट जो पॉइंट था 2 कॉमा 7 बाय 3। अब 7 बाय 3, हां जी, मेरे पास ये 2 पॉइंट और ये 2, तो अगर मैं इधर देखूं तो 2 और 2 पॉइंट समथिंग, ये भी अंदर ही लाई करेगा। अब ये देखें 5 और 0.05, अगर मैं देखूं इधर से 5 और नीचे 0.05, ये भी अंदर ही लाई करेगा। हां जी, लास्ट देखूं माइनस सिक्स मेरे पास हो गए, वो यहां कहीं होगा, और 2.5, अगर ऐसे देख रहे हैं तो हमें तो कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा, नहीं पता चल रहा ना। तो इसके लिए बेस्ट क्या होता है, रेडियस निकालो, ठीक है, ओरिजिन से हर पॉइंट का डिस्टेंस देखो, अगर वो रेडियस से कम है तो वो अंदर होगा, अगर रेडियस से कम नहीं है, ज्यादा है, तो वो कहां होगा, बाहर होगा, एक्सटीरियर। सिंपल सी बात, क्योंकि ऐसे आपको नहीं पता चल रहा, रीजन मेरे पास ये प्रॉपर ग्राफ नहीं है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कोई इधर से 6 है और इधर से 2.5, वो कहीं ऐसे बाहर आ जाए, आ सकता है ना, तो ऐसे नहीं ना पता चल रहा है। तो बेस्ट तरीका क्या है हमारे पास, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के पहले तो रेडियस देखें, 100% मेरे पास रेडियस 6.5 ही है ना, क्योंकि आपको टेंशन नहीं ज्यादा कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगी, हर एक का ओरिजिन से लेना है, तो यानी इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर ही करना है, ओरिजिन माइनस करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं है। अगर इसका देखूंगी तो ये डिस्टेंस मेरे पास कितना होगा, 9/16 प्लस 1, ये 5/4, तो कितना हुआ मेरे पास, 1 point something, अंदर ही है। किसका देखे, मेरे पास हो गए 4 + 49/9, हाँ जी, ये ऐड करूंगी मेरे पास 36, 36 और 49, 585/3, मैंने सीधा ही निकाल लिया। अब अप्रोक्सीमेटली ले लो, 85 किसके स्केयर के आसपास आता है, 9 के स्केयर के आता है कि नहीं, यानी 9 पॉइंट कुछ होगा, 9 पॉइंट कुछ को 3 से डिवाइड करूंगी, 3 पॉइंट कुछ आएगा। ऐसे पेपर में कैलकुलेशंस करनी, कोई एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं, यानी ये भी रेडियस लाई करता है, ठीक है। अगला देखे 25 और सीधा ही 4 से मैं कर रही हूँ, 4 ही जाएगा ना ऊपर, 100 + 1/2, इसका अंडर रूट ये कितना हो गया, 101/4, ये रूट नहीं आएगा, हाँ जी 100 10 point something, हाँ तो मैं 10 का स्केयर 100 नहीं होता पुत्र, 10 पॉइंट समथिंग 2 से डिवाइड करूंगी, 5 point something अंदर लाई कर रहा है। तो लास्ट वाला देखें, 36 × 4, क्योंकि एलसीएम साथ ही ले लिया मैंने, तो 4 × 2 = 144 + 25 = 169, ये 13, ये 6 पूरा, तो ये तो अंदर ही ना लाई कर रहा, लाए ऑन द सर्कल, तो डी ऑप्शन, क्योंकि इसी में डाउट लग रहा था आपको ज्यादा,
बाकियों में तो डाउट ही नहीं लग रहा था, वो तो क्लियर कट अंदर ही आ तो अंदर तो नहीं लाई करण। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉइंट्स, वन इज लाइज ऑन द सर्कल, सेकेंड इज इंटीरियर एंड द थर्ड इज एक्सटीरियर। ऐसा कौन सा पॉइंट है जो अंदर लाई नहीं कर रहा, अंदर लाई नहीं कर रहा मतलब वो ऑन द सर्कल भी हो सकता है और एक्सटीरियर भी हो सकता है, तो डी इज द करेक्ट ना। हाँ जी, वैसे चाहिए हमें लास्ट वाले को चेक करना चाहिए था, क्योंकि बाकी सारे तो क्लियर कट अंदर लाई कर रहे थे, तो जिसमें डाउट था हमें वही चेक कर लेना चाहिए था। लास्ट वाले पर डाउट था ना, मैंने आपको यहाँ ऐसे करके बताया भी है, तो वही चेक कर लेते, वहीं से भी क्लियर हो जाना। ठीक है, ओके, चलिए बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम द बुक। हाँ जी, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। मेरे पास जो है एक लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस पे। देखो पहले वाई एक्सिस दी है तो उसको पी ले लो, फिर एक्स एक्सिस दी है क्यू ले लो। अब उसने कहा इफ 2, -5 इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, अगर पी क्यू का जो मिड पॉइंट है वो 2, -5, अब -5 ऊपर आ सकता है? नो, दैट मीन्स मैंने ड्रॉ ही गलत है, ये यहां पर भी नहीं आएगा, नीचे आएगा ऐसे, तो y एक्सिस पे p लेना है, ये ऐसे ड्रॉ करने पे हमें वहीं पे पता लग जाता है। ठीक है, अब उसने कहा एक मिनट बेटा, 2, मेरे पास -5 दी है, हाँ फोर्थ में आएगा बिल्कुल जी, चलो जी और ही चेंज हो गया बेचारा, कोई बात नहीं, ये लीजिए ये 2, -5। अब उसने कहा इज द मिड पॉइंट ऑफ द पी क्यू, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली आर। अब उसने कहा है कि मेरे को कोऑर्डिनेट्स बताइए पी और क्यू के, बहुत इजीली, अगर ये पॉइंट है पी तो ये कैसा पॉइंट होगा मेरे पास, 0, y, वाई की वैल्यू अपने आप नेगेटिव आ जाएगी। अच्छा कोई बच्चा -y ले ले तब भी ठीक है, जो y की वैल्यू आएगी इसके आगे नेगेटिव लगा, दैट इज अप टू यू। ठीक है, चलो मैं y ले लेती हूँ, और इधर x, 0 मिड पॉइंट ले। ठीक है, जब मैंने मिड पॉइंट लिया 0 + x / 2, 2 और x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगला y + 0 - 10, y 2 उधर चल जाएगा ना, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, तो दैट मींस ये हो गया 4, 0 और ये हो गया 0, -10। ओके बेटा, अच्छा अगर आपने मान लो ये माइनस लिया, यानी आपका माइनस ये कट गया, y की वैल्यू 10 पर हमने यहां तो -y ही लिखना है, अपने यहां -10 आ जाएगा, आंसर वो हमेशा सेम ही रहेगा, आप जैसे मर्जी ले लो। ओके, डिपेंड्स अपॉन आपने लेट कैसे किए। क्लियर, चले बेटा आगे, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 18 मेरे पास हो गए। क्वेश्चन नंबर 18 मेरे पास, हाँ जी बेटा, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल पर बेस्ड है, नॉट इन द सिलेबस। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स मेरे पास 4, p एंड 1, 0, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 5 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। फटाफट करो, जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ जी, 4 - 1 3 का स्क्वायर, पी स्क्वायर 25, पी स्क्वायर मेरे पास जो है 40, 16 और p की वैल्यू +-4। ओके जी, स्क्वायर बेटा
क्या बेटा ये पी है, इट्स अ पॉइंट। पी की वैल्यू तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है ना। अब मैं आपको समझाती हूँ, मेरे पास ऐसे कोई दो पॉइंट है, इधर से मान लो मैंने 1,0 का ये पॉइंट लेना, या मैं इधर से वो पॉइंट जो है नीचे को ले लूं, डिस्टेंस तो सेम ही रहना ना, रहेगा कि नहीं। तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है वाई, वो नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसीलिए दोनों केसेस हम लेते। बात समझ आई दक्ष? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो गए 20th क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम्पलर बुक। मैं कैलकुलेशन शॉर्ट में करके दिखा रही हूँ, क्यों? ताकि आपको प्रैक्टिस हो, फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी बेटा। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20th। इफ द पॉइंट ए 1,200 ए बी आर कुलीनियर, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। मैंने आगे भी आपको कहा था अगर कुलीनियर हो तो क्या लगाना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो, चाहे डिलीटेड है वहां उन्होंने देखने थोड़ा ना आपने किस मेथड से किया, क्योंकि उससे कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे। तो मेरे पास हो गए हाफ नहीं लगाऊंगी, 1,200 ए बी 1,2 इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो माइनस जीरो, ठीक है, मेरे पास क्या आ गया जीरो, फिर जीरो माइनस जीरो जीरो। अब आ गए 2a माइनस बी, ये सारा जीरो के इक्वल, और a या 2a इज इक्वल टू b। दिस इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b। ओके बेटा, क्लियर? पता चला मैंने कैसे किया? चलो गुड, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा। मेरे पास हो गए और MCQs भी हैं, लेट अस सॉल्व दैट MCQs सो दैट। हाँ जी, उसमें भी क्या बता देंगे आपको, टेंशन क्या है, OMR शीट आए जैसे मर्जी आए। व्हाई यू आर, आपका काम है इस टाइम सिर्फ पढ़ना, ओनली डोंट टेक टेंशन ऑफ सच थिंग्स। मैम OMR शीट आनी है कि क्या आनी है? ओके, चलिए लेट अस डू नाउ असर्शन रीजन एंड मेरे पास जो है केस स्टडीज, दोनों करेंगे। हाँ जी, पहला बेटा मैं एक बार असर्शन रीजन की ऑप्शंस लिख देती हूं ताकि आपको पता चल जाए उनमें से कौन सी ए बी सी डी। ओके, दे हैव रिटन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ रीजन, मार्क द करेक्ट चॉइस। मेरे पास है बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट रीजन। ओके, फॉर ए। सेकेंड मेरे पास हो गए बी ऑप्शन, बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट रीजन। मैं सिंपल शॉर्टकट में लिख रही हूं। सी मेरे पास ए इज ट्रू बट आर इज नॉट ट्रू। डी ए इज नॉट ट्रू बट आर इज ट्रू। अब इन फोर में से हमने चूज करना है। नाउ व्हाट इज रिटन हियर, असर्शन दिया हुआ है द डिस्टेंस जो है ऑफ ए पॉइंट पी मेरे पास 6,-6 फ्रॉम ओरिजिन जो है इज 6 units। हाँ जी, रीजन द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी दैट इज गिवन बाय, हाँ जी, x2-x1² + y2-y1² बताइए, आपने बताना है उनमें से कौन सी ऑप्शन ट्रू है।
दिस इज असर्शन एंड नेक्स्ट इज ट्राई टू लिसन व्हेन द टीचर इज स्पीकिंग द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज 6 units रीजन है करेक्ट रीजन है डिस्टेंस निकाल के देखा निकाल दिखा कैलकुलेट ही नहीं किया आपने हाँ जी 36 + 36 हाँ जी 72 6√2 डिस्टेंस तो क्या बन रहा है 6√2 आपको कितना दिया है 6 रीजन करेक्ट है असर्शन रॉन्ग है हाँ जी असर्शन इज रॉन्ग रीजन इज करेक्ट डी ऑप्शन तुक्के मत लगाओ ओके ऊपर लिख क्लियर बेटा नाउ नेक्स्ट मेरे पास जो है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट आई एम ऑब्जर्विंग सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट डूइंग एनीथिंग नॉट नोटिंग डाउन हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 1, 1 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 11 units रीजन मेरे पास जो है आर द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई from x axis is its coordinate हाँ जी बताइए बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि एक पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है y वाला होता है ना x में y वाला y में x वाला तो उसने ये 11 नहीं दिया दैट इज करेक्ट अब आ जाओ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज इट्स कोऑर्डिनेट बिल्कुल अच्छा अगर मैं यहां लिख देती कोऑर्डिनेट फिर ए इज टू बट दिस इज नॉट द करेक्ट मतलब एक एक वर्ड को ध्यान से अच्छा अगर मैं यहां लिख देती अब सीसा तब भी फॉल्स था ओके क्लियर है ये 1-1 वाले एमसीक्यूज ही सिर्फ क्या किया टर्न किया ठीक है जी ओके और बिल्कुल इजी चैप्टर है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें नाउ बेटा असर्शन रीजनिंग आई थिंक आपको क्लियर हो गई है ओके नाउ लेट अस डू 1 case study बेस्ड ऑन दिस चैप्टर ओके केस स्टडी क्या है मेरे पास देयर इज अ स्कूल सोसाइटी विच हैव जो है सो मेनी स्कूल्स इन डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया वन ऑफ द ब्रांच ऑफ दैट पब्लिक स्कूल इज इन मेरिट इन दैट स्कूल 100 students आर देयर इन द क्लासरूम ठीक है नाउ व्हाट इज गिवन देयर आउट ऑफ देम वन ऑफ द गर्ल जो आपकी बुक में क्वेश्चन है ना सिर्फ उसी को चेंज कर दिया है आपको याद है वो पॉट्स वाला क्वेश्चन था फ्लैग लगाया है ना सेम यहाँ पर उन्होंने दिया है आउट ऑफ देम वन ऑफ द गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड हैविंग कोऑर्डिनेट 3, 4 ओके फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट अब वो फेस कर रही है वेस्ट की तरफ अगर मैं ये बना दूं ऐसे ठीक है तो अब आप खुद देखिए अब नॉर्मली जब हम मैप बनाते हैं हम कैसे बनाते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे ही बनाते हैं अब हम भी ऐसे ही चलेंगे अब उसने कहा कि वो गर्ल वेस्ट की तरफ फेस कर रही है मतलब इस तरफ देख रही है
अब आगे उसने क्या कहा, शी मूव्स 5 यूनिट इन अ स्ट्रेट लाइन देन टेक राइट जो है एंड मूव्स 4 यूनिट एंड स्टॉप। अब देखो उसने कहा पहले वो 5 यूनिट चली, इधर को चलेगी, जब कोई इधर को चल रहा है अब राइट लेना है, ऊपर को जाएगी ना, फिर वो इधर को चले, इधर मेरे पास डिस्टेंस था 3, कोऑर्डिनेट था 3.4, इधर को कितना डिस्टेंस चली 5, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, नो 3 इधर है, 3 इधर से वापिस आई ना, और 2 आगे को जाना है, तो बेटा -2 हुआ, एच तो सेम ही, हाइट तो कॉमा 4 ही रहेगी, ओके अब आगे उसने ऊपर को, अब ये वाई चेंज हो रहा है ना, यानी पहले 4 नीचे था, 4 ऊपर को गया, ये 8 आया, वाई चेंज हुआ ना, एक्स तो उतना ही रहना है। देखो जी बहुत इजी समझा, जिसको आप इतना मतलब आपको समझ नहीं आया ध्यान से सुनो, कोई बात नहीं, इस गर्ल के मेरे को ये कोऑर्डिनेट पता थे, उसने कहा यहां से वो 5 यूनिट चली है ना, मुझे पता है ये 3 है, 3 के बाद 2 चलेगी तो टोटल 5 होगा, अब ये 2 लेफ्ट को है ओरिजिन के इधर, तो ये -2 हो गया, बेटा वाई तो उतना ही रहना 4, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चली, वो ऊपर नीचे नहीं ना हो रही, ये आ गया, अब इधर से वो कितना डिस्टेंस चली 4, ओरिजिन से ये हाइट पहले ही 4 थी, ये 4 ये भी 4, 8, एक्स तो उतना ही है -2, कोऑर्डिनेट्स आगे ट्रायंगल के, अब आगे देखते हैं वो क्या कहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में उसने कहा व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द मैंने आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा, ध्यान से सुनना, हमने वहां तक पढ़ लिया था कि मूव्स 4 यूनिट एंड स्टॉप, नाउ शी इज एट हर कोचिंग सेंटर, ये उसका कोचिंग सेंटर है, ठीक है, ये उसका स्कूल का था, ठीक है, तो उन्होंने अब कहा द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अबव सिचुएशन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस शोन बिलो, उन्होंने शो भी कर दिया फिगर जो मैंने बनाई है, पर जरूरी नहीं है कि वो बनाए पेपर में, है ना, हमें खुद भी बनानी, हमने सीख ली ना। अब आगे उसने कहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द कोचिंग सेंटर, क्या ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम भी क्यों लगानी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज दिस, व्हाई यू आर कैलकुलेटिंग पाइथागोरस, यू आर यूजिंग पाइथागोरस, नो नीड, ठीक है। फिर अगला उसने कहा कि देयर इज अ पॉइंट डी व्हिच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन अ पर्टिकुलर रेशियो, फाइंड द रेशियो, सेक्शन फॉर्मूला, उसने ये नहीं कहा कि मिड पॉइंट है, एक पॉइंट डिवाइड करता है, रेशियो निकालनी है तो सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, ओके वी विल कंटिन्यू दिस क्वेश्चन टुमारो, टिल देन गुड बाय।